डब्ल्यू कंपनी अपने लाइव टीवी के ऊपर सिर्फ वो चीजें दिखाती है जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्स को दिखाना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी बैक से चीजें भी होती हैं जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्स से उन चीजों को हाइड रखकर डब्ल्यू डब्ल्यू चलती है। लेकिन आज इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं उन बैक स्टेज सीक्रेट्स के बारे में जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी के अंदर होते हैं, लेकिन वो हमें ऑन द टीवी देखने को नहीं मिलते। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और चलिए दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग का कंटेंट देखने के लिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बैक स्टेज सीक्रेट्स में आता है गोरिल्ला पोजीशन। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहाँ पर विंस मैकमैन डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी को ऑन करते थे तो उस टाइम पर हमें विंस मैकमैन इस पोजीशन पर देखने को मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पर जो ट्रिपल एच हैं वो क्रिएटिव हेड हैं। तो ट्रिपल एच दोस्तों इस पोजीशन पर आज के टाइम पर बैठते हैं, और इस पोजीशन पर बैठने का सिंपली मीनिंग ये है कि ट्रिपल एच के सामने एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर वो पूरा शो को देखते हैं कि किस तरीके से शोज के ऊपर जो चीजें हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों जितने भी सुपरस्टार्स होते हैं वो बिफोर मैच और आफ्टर मैच यहाँ पर आकर ट्रिपल एच से मिलते हैं, और वे उनके मैच के बारे में उनसे पूछते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस उनको कितनी अच्छी लगी और आगे उनको किस चीज़ों को करने की ज़रूरत है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। तो यहाँ पर जो ट्रिपल एच का रोल है वो हमें एज ए लीडर के तौर पर देखने को मिलता है, जहाँ पर ट्रिपल एच इन चीज़ों को देखते हैं कि लाइव शोज़ के ऊपर सुपरस्टार्स अपनी परफॉर्मेंस को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट बैक से सीक्रेट है वो सुपरस्टार से ही जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम सभी किसी स्टेज पर जाकर हमें अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर करना है तो हम भी किसी ना किसी म्यूजिक को सुनेंगे, या फिर अपनी फैमिली को याद करेंगे, या फिर हम भगवान को याद करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डालने के लिए हम म्यूजिक को सुनेंगे या फिर किसी अच्छी चीज़ को खाएंगे। तो वो चीज़ें भी दोस्तों सुपरस्टार्स के साथ भी होती हैं। हालांकि दोस्तों डब्ल्यू डब्ल्यू के टीवी शोज के ऊपर तो हमें डब्ल्यू डब्ल्यू सुपरस्टार्स का हील या फिर फेस वाला करेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन भाई है तो वो भी इंसानी, उनके अंदर भी एक फेस करेक्टर ही होता है। और इस तरीके से जब वो अपने मैच से बिफोर यहाँ पर बैक स्टेज एरिया पर होते हैं तो काफ़ी सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि यहाँ पर गाना सुनते हैं, अपनी फैमिली को याद करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो ये चीज़ भी दोस्तों डब्ल्यू डब्ल्यू के सुपरस्टार्स जो हैं वो बैक स्टेज एरिया पर करते हुए नजर आते हैं, जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने अपनी जो रेसलमेनिया 34 की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको निकाला था, जिसके अंदर बिहाइंड द सीन को इस चीज़ को दिखाया गया था। दोस्तों इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट थिंग है वो यहाँ पर दोस्तों आती है बैक स्टेज कोर्ट। तो दोस्तों डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी के अंदर भी हमें कई बार ऐसे एक्शंस देखने को मिले हैं जहां पर दोस्तों बैक स्टेज हमें रियल फाइट देखने को मिल जाती है सुपरस्टार्स के बीच में। तो अगर दोस्तों किसी सुपरस्टार्स के साथ यहां पर रियल में फाइट हो जाती है तो डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी के अंदर जो सुपरस्टार्स है उनके अंदर एक मेजर एक लीडर बनाया जाता है, बैक स्टेज लीडर, जो कि इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा ताकि जो ये बातें हैं ये अपना जो ओनर है डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी का उसके सामने ना जाए। तो इस तरीके से जो सुपरस्टार्स है वो अपना एक लीडर बना लेते हैं। और शायद हमने जब रोमन रेंग्स का बिग डो वाला करेक्टर देखा था तो उस टाइम पर रोमन रेंग्स को यहाँ पर लोकर रूम लीडर बोला जाता था, और ये दोस्तों उनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि रोमन रेंग्स उस टाइम पर लोकर रूम के लीडर थे और रोमन रेंग्स काफी बड़े सुपरस्टार हैं, तो इसलिए रोमन रेंग्स को उस पोजीशन पर रखा गया था। और इसी के चलते जो बैक स्टेज है वो इस तरीके से जो कोर्ट है ये दोस्तों हमें नजर आता है, जो कि फिलहाल डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है एज बैक स्टेज कोर्ट। दोस्तों इसके बाद जो लास्ट थिंग है वो यहाँ पर जुड़ी है दोस्तों रिहर्सल से। तो दोस्तों डब्ल्यू डब्ल्यू के जितने भी बड़े शोज होते हैं, यानी कि हम बोले कि डब्ल्यू डब्ल्यू के बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट हो गए, रेसलमेनिया हो गई, समर स्लैम हो गई, सर्वाइवर सीरीज हो गई, रॉयल रंबल हो गई, तो इस टाइम पर दोस्तों डब्ल्यू डब्ल्यू के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है कि सुपरस्टार्स की जो एंट्रेंस है उनको काफ़ी यूनिक बनाया जाए, मैच के अंदर जो परफॉर्मेंस होने वाली है उसको काफ़ी हट के यहाँ पर डिलीवर किया जाए फैंस के सामने। तो डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी के ऊपर जब इतना प्रेशर होता है और साथ ही साथ सुपरस्टार्स के ऊपर भी प्रेशर होता है कि उनको इतने क्राउड के सामने जाकर परफॉर्म करना है, तो इस चीज को दोस्तों अच्छे तरीके से करने के लिए जो सुपरस्टार्स हैं वो दोस्तों यहां पर रिहर्सल करते हैं अपनी एंट्रेंस के लिए और साथ ही साथ रिहर्सल करते हैं अपने मैच के लिए। तो जो ये रिहर्सल है ये सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि जो उनकी एंट्रेंस है, जो उनके मैच होने वाले हैं उसके अंदर कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हो जाते हैं जिनके अंदर गलती होने की संभावना है, तो दोस्तों उनको वहां पर ठीक किया जाए, इसलिए दोस्तों सुपरस्टार्स अपनी रिहर्सल करते हैं। और रेसलमेनिया 40 की जो हमने बैक स्टेज डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसके अंदर भी इस चीज़ को दिखाया गया था कि दरोग की एंट्रेंस को उन्होंने किस तरीके से रिहर्सल किया। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो डब्ल्यू डब्ल्यू के बैक स्टेज सीक्रेट्स हैं काफ़ी
काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा अच्छे हैं कि WWE किस तरीके से फैंस के सामने उन चीजों को डिलीवर करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगाती है। और इसी के चलते जो WWE का लाइव टीवी शोज है उसके ऊपर हमें इतना इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग स्टफ देखने को मिलता है। तो आज की दोस्तों ये वीडियो इतनी सी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपने के लिए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।